क्या आया अपने घर में, जल्दी बताओ जोर से। फर्नीचर। फर्नीचर। क्या आप भी डाइनिंग टेबल लेने का सोच रहे हैं? क्या आपको बजट में डाइनिंग टेबल नहीं मिल पा रही है? यदि आपको बजट में डाइनिंग टेबल मिल भी जाती है तो आपको उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और आप इस लॉकडाउन के कारण घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है ये वीडियो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीजीज होम। आज मैं एक डाइनिंग टेबल का रिव्यू कर रही हूँ और ये डाइनिंग टेबल मैंने ख़रीदा है अपनी दुकान अमेज़ॉन से। और ये एक बहुत ही एक बढ़िया परचेज रहा है क्योंकि काफ़ी रिजनेबल डाइनिंग टेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या सोच के मैंने डाइनिंग टेबल लिया, क्या पॉसिबल चीज़ें हुई हमको कि हमको डाइनिंग टेबल लेना चाहिए। तो क्या हुआ रहा था कि 2-3 सालों से हम एक अच्छे डाइनिंग टेबल में स्पेंड करना चाहते थे बिकॉज़ हम लोग की बहुत इच्छा थी। बट क्या होता था कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर जॉब है, ट्रांसफ़र होता रहता था, तो रेंटेड हाउस में कभी स्पेस होता है कभी स्पेस नहीं होता है, राइट। तो उसके कारण हम ले नहीं पाते थे, या फिर हम जब जो फर्नीचर वाला जो कारपेंटर है उससे बनवा के लेना चाहते थे तो वो बजट से बाहर हो जाता था। तो ऐसा सब सिचुएशन थी तो हमने कभी डाइनिंग टेबल नहीं ले पाए। तो क्या हो रहा था कि हम अमेज़ॉन में स्क्रॉल कर रहे थे एक अच्छे सोफ़ा सेट के लिए, तो वहाँ पे नीचे क्लिक होती है एक पिक्चर जो कि थी डाइनिंग टेबल की, और जो कि काफ़ी क्लासी डाइनिंग टेबल था जिसमें साइड में दो बेंच थी, दो चेयर थी और बहुत ही छोटी सी स्मॉल सी वुड की डाइनिंग टेबल थी जो कि सीसम वुड था जिसका, और उसमें हनी कलर था। तो मुझे काफ़ी वो अट्रैक्ट कर रही थी और मेरे हस्बैंड को भी, तो उन्होंने बोले चलो ना सोफ़ा लेने के पहले ये ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ने फाइनली उसमें क्लिक किया, बट एक प्रॉब्लम था, उसका साइज़ बहुत छोटा था, हमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहिए था, एटलीस्ट 6 पीपल एक साथ बैठ के आराम से लंच या डिनर कर ले, बट वो 4 सीटर डाइनिंग टेबल थी। तो हमने फिर भी सोचा कि कुछ नहीं होता, कभी कभी स्पेस भी कम होता है तो ये परफेक्ट हो जाएगा, हम ख़रीद लेते हैं। तो हमने फाइनली उस डाइनिंग टेबल को ऑर्डर किया, लेकिन हमारे साथ एक बात सोने में सुहागा हो गई कि जैसे हमने उसको ऑर्डर किया तो वहाँ से जो डीलर है उनका कॉल आता है कि क्या आपकी डाइनिंग टेबल कन्फर्म है क्योंकि हम उसको बनवाने दे रहे हैं। तो जैसे ही मैंने सुना कि हम इस डाइनिंग टेबल को बनवाने दे रहे हैं तो उस टाइम मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्लिक हुआ था, हमने पूछा कि आप हमको कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं, बस आपको कुछ रुपये ऊपर से और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ हम कर देंगे। तो हमने उसको कस्टमाइज़ करवाया, तो हमने जो टेबल है उसको बड़ी करवाया, कुछ उसमें चेयर्स एंड ऑन की, और जो साइड टेबल था उसको भी थोड़ा सा बड़ा करवाया, और प्रॉपर अच्छे से कस्टमाइज़ होके हमारी डाइनिंग टेबल हमको मिलने वाली थी। तो ये हमारा सब ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो ये था कि कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे हम मैंने डाइनिंग टेबल ये ख़रीदने का सोचा। इवन जो डीलर थे वो काफ़ी अच्छे थे, इतने अच्छे से आराम से बात कर रहे थे और बहुत ही अच्छे थे। तो उनका नंबर भी अगर हमारे पास होगा तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इस डाइनिंग टेबल के लिंक भी दे देंगे। तो आप ऐसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इस डाइनिंग टेबल को और आराम से आप अपने हिसाब अकॉर्डिंगली ले भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस और पैकेजिंग की। तो इसकी पैकेजिंग यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग इसकी ये पैक होके आया था, प्रॉपर चेयर्स के वहाँ पे भी वुड का ऐसे क्रॉस करके लगा हुआ था कि वो जो चेयर्स है वो ख़राब ना हो। और इसको असेंबल करने की बात करें तो इसको असेंबल करना भी इतना कठिन नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हो सकता है। बट उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे और मेरे बच्चे को चाहिए था कि जल्दी से असेंबल कर दिया जाए, तो मैंने क्या किया कि जो डिलीवर करने के लिए लड़के लोग आए थे उन्हीं को बोला कि आप प्लीज़ कुछ रुपए लेके इसको असेंबल कर दीजिए। तो उनने मुझसे कुछ रुपए लिए और उसको असेंबल कर लिया और बहुत अच्छे से डाइनिंग टेबल इजीली असेंबल भी हो गई। इवन जो डिलीवरी बॉय थे उन लोग भी कह रहे थे कि ये पैकेजिंग इनकी बहुत ही बढ़िया करके उन्होंने दिया है, जिससे कि इतने दूर से आने के बाद भी डाइनिंग टेबल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, डबल टेबल उन्होंने पैकेजिंग करके दी है। तो पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी थी और असेंबल करना भी बहुत इजी था। और इवन अब हम इसकी वेट की बात कर सकते हैं, तो आपने जैसे मेरा फादर्स डे का वीडियो देखा है कि मेरा बेटा डाइनिंग टेबल के ऊपर डांस कर रहा है, इवन वो उसके ऊपर स्टडी भी करता है, कलरिंग भी करता है, खाना भी वहीं खाता है, सब कुछ करता है। तो एक परफेक्ट हमको एक हमारे घर में एक एरिया बन जाता है जहाँ सब आराम से बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बहुत ही अच्छी हमको एक डाइनिंग टेबल ये मिल गई है। अब बात करते हैं उसके प्राइस की। तो उसका जो प्राइस था वो 15,600 रुपये था और हमको ऊपर से 6,000 रुपये पे करने पड़े, तो 6,000 और प्लस 15,600 हो गया 21,600 रुपये।
तो 21,600 रुपए के हिसाब से डाइनिंग टेबल बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगी हमें, बहुत ही रिजनेबल रेट में मिली है। क्योंकि अगर आप वुड का डाइनिंग टेबल बनवाने जाएंगे तो एटलीस्ट वो 50,000 to 60,000 तक चली जाएगी। और इस डाइनिंग टेबल का एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वो डाइनिंग टेबल्स आती हैं ना, जो MDF वुड की रहती हैं, जो कि वुड में भूसा भरा हुआ रहता है, ये बिल्कुल भी वैसी डाइनिंग टेबल नहीं है। तो अब चलते हैं और आपको दिखाती हूँ इसका क्लोजअप लुक कि ये कैसे दिखती है और इसको मैंने कैसे डेकोरेट किया है। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा डाइनिंग टेबल। आप जैसे कि इसको क्लोजअप से देख रहे हैं कि ये जो इसकी फिनिश है बहुत ही ग्लॉसी फिनिश है और काफ़ी अच्छा उन लोग ने इसको करके दिया है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने इसको कस्टमाइज वे में लिया है, तो इसमें जो दो चेयर्स आपको दिख रही है ये इसमें नहीं थी, ये एड ऑन हुई है। इसका जो ये टेबल का साइज़ है, ये साइज़ 3 feet का था, हम लोगों ने इसको 4 feet का लिया है, ये कस्टमाइज़ करवाया है। और ये जो स्टूल आप देख रहे हैं, ये स्टूल भी थोड़ा सा छोटा था, इसको भी हम लोगों ने इस टेबल के हिसाब से करवाया है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कस्टमाइज़ करके ये हमको डाइनिंग टेबल दिया है। ये काफ़ी एलिगेंट लुक में है, काफ़ी क्लासी है, सिंपल है, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चेयर है और ये प्रॉपर हाइट में है, ऐसा नहीं कि इसकी हाइट ज़्यादा है या इसकी हाइट कम है, प्रॉपर आप बैठ के आराम से अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। प्लस इसकी जो बेंच है, इसमें मेरा बेटा आराम से बैठ जाता है और वो भी अपना खाना खा लेता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपके घर में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम इस बेंच को अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइक दैट हम इस बेंच को अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना हैवी है, मैं इसको हटा रही हूँ तो ईजिली मूव नहीं हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी क्वालिटी है। और अब आप इसकी चेयर को देखिए, तो मैंने जो इसकी चेयर लिया है वो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में लिया है, बिकॉज़ हमें सिंपल डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और इसको क्लीन करना बहुत ईजी है, बिकॉज इसमें सिर्फ ये 4 आपको दिख रहे होंगे कि लाइनिंग्स वाले होल दिए हुए हैं, तो इसको ईजीली मैं क्लीन कर पाती हूँ। और इस टेबल को भी मैं इजीली वाइप कर लेती हूँ, और कभी कभार मैं कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं अपने डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो रनर है, ये रनर मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो गाइज, ये है मेरा डाइनिंग टेबल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसको क्लोजअप लुक से दिखाऊंगी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने वीडियो में पहले बात की थी उस बारे में। तो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस डाइनिंग टेबल के परचेज से। आपको भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो गाइज, ये जो मैंने आपको क्लोजअप से दिखाया है, तो आपको कैसा लगा ये डाइनिंग टेबल जो मैंने डेकोरेट किया है सिंपल सा? अगर आपको पसंद आया, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं कि कैसे हम डाइनिंग टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं क्या कोई ओकेशन के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना, मुझे बहुत मज़ा आएगा ऐसे डेकोरेशन के वीडियो बना के। और ये सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो कोई बात की टेंशन नहीं है आपको। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, बस आपको ओपन करना है, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट? तो मैंने फर्स्ट टाइम ही कुछ ऐसा रिव्यू किया है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बिकॉज एक बजट में आपको बहुत अच्छी क्लासी डाइनिंग टेबल मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल डीजीज होम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए अगर उनको डाइनिंग टेबल खरीदना है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।